क्या आपको मोबाइल से मैसेज करना नहीं आता? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप इंडिया में कहीं भी किसी को भी कैसे अपने मोबाइल से मैसेज सेंड करेंगे। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से आप कहीं भी किसी को भी कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे आप मैसेज करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे यूजर्स है जिसको बोल दिया जाए कि भैया हमें मैसेज सेंड करो कुछ टाइपिंग करके या नंबर ही मैसेज करो, तो वो बोलते हैं कि हमें मैसेज करना नहीं आता है, आप लिख ही लो, मैं लिखा देता हूँ फ़ोन से ही। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा किस तरीके से अगर आपको प्राइवेसी रखना है, अगर आपको मुंह से नहीं बोलना है, दो आदमी अगल बगल में है, चुपचाप मैसेज सेंड कर ले अपने फ्रेंड को, अपने गर्लफ्रेंड को, तो वो आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे करेंगे मैसेज सेंड। तो अभी के टाइम में जो है आपको मैसेज सेंड करना आना ही चाहिए। बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पर मैसेज सेंड किया जाता है। जैसे अगर आप जो है अपने बैंक अकाउंट का मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं बैंक में, तो आप जो है घर बैठे अपने बैंक में जो आपका अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आप जो है घर बैठे चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है मैसेज सेंड करना आना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी को भी कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे मैसेज सेंड करेंगे और वो आपका प्राइवेसी भी रहेगा। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा, तभी आप सब कुछ सीख जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Shut up and sit down. इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से आप किसी को भी कैसे मैसेज सेंड करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं मैसेज का ऑप्शन है, आप डायरेक्ट इसमें जाके मैसेज सेंड कर सकते हैं या सिंपली बैक आएंगे और यहाँ देख रहे हैं फ़ोन, तो आप जो है यहाँ फ़ोन में भी जाइएगा तो यहाँ से भी आप जो है मैसेज सेंड कर सकते हैं किसी भी पर्सन। यहाँ कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके या सिंपली बैक आएंगे, यहाँ देख रहे हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको ढेर सारा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। जिसको भी आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से बहुत ही ईजी तरीके से मैसेज सेंड कर सकते हैं। जैसे हमको इस पर्सन को मैसेज करना है AHR कंसल्टेंसी, तो इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देखिए कि मैसेज का ऑप्शन आ चुका है, आपको मैसेज वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि जो है वो पर्सन का यहाँ पर ऊपर में नाम आ चुका है, इसी में उसका मोबाइल नंबर वगैरह सब सेव रहता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इंटर मैसेज का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे हाई कर देना है इस तरीके से और यहाँ पे आपको सेंड कर देना है। ऐसे इस पर आप सेंड करते हैं तो यहाँ देखिए प्रोसेसिंग जो यहाँ पे चल रहा है और ये देखिए यहाँ पे ये जो है जा चुका है मैसेज। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी पर्सन को मैसेज सेंड कर देंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे जो है मैसेज सेंड हो चुका है, यहाँ पर देखिए कि मैसेज सेंड हो चुका है बट यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं मिला है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस तरीके से मैसेज सेंड करते हैं अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप समझिए कि ये आदमी का मोबाइल बंद है या ये मोबाइल का जो बैलेंस है उसका ख़त्म है, इस वजह से इसके मोबाइल पर अभी तक जो है मैसेज नहीं पहुँचा है बट यहाँ से जा चुका है। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप मैसेज सेंड किए हैं उस आदमी को पहुँचा या नहीं पहुँचा तो उसको आप कैसे जानेंगे कि मैसेज चला गया है। तो इसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक नाम है, तो मैं इस नंबर पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे इसको मैसेज सेंड करता हूँ। देखिए इस तरीके से हेलो, और मैं यहाँ पे सेंड वाले पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए कि मैसेज यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है और यहाँ पर देखिए मैसेज जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैसेज चला गया है, जैसे मैसेज चल जाता है तो आपको यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन ऊपर में आ चुका है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे जो डिलीवरी यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ देखिए डिलीवरी रिपोर्ट, तो यहाँ पर डिलीवरी हो चुका है, यहाँ पर राइट टिक लग चुका है। सो गाइस, इस तरीके से है आप बहुत ही आसानी से किसी भी पर्सन को कहीं भी बहुत ही ईजी तरीके से जो है आप मैसेज सेंड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। और मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको जो है
डायरेक्ट मैसेज से में जाके मैसेज करना है तो सिंपली बैक आएंगे और यहाँ देखिए मैसेज का ऑप्शन है, मैसेज वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ जो है आप इस वाले पे क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद आप जो है बहुत ही इजी तरीके से इसको मैसेज सेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं फिर से दिखा देता हूँ, इस तरीके से जाइएगा, यहाँ बोलिएगा हेलो, इस तरीके से सेंड कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए कि ये जा चुका है। सो इस तरीके से गाइस बहुत ही ईजी तरीके से आप जो है किसी भी पर्सन को अपने मोबाइल फ़ोन से मैसेज सेंड कर सकते। जैसे ही पर्सन जो है आपका मैसेज देखेगा वो आपको जो है मैसेज करेगा या आपको से बात कर सकता है। सो गाइस इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप जो है किसी भी पर्सन को बहुत ही इजी तरीके से मैसेज सेंड कर सकते हैं। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन से किसी को भी कैसे आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। ये वीडियो को देखने के बाद अब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे मैसेज सेंड किया जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।